हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी के लिए दो व्यायाम करेंगे। सबसे पहला व्रज आसन, जिस आसन में बैठे हैं, एक यही व्यायाम है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, जो एसिडिटी को दूर करने में हेल्प करता है। दूसरा व्यायाम है पवन मुक्त आसन, जो हम अभी करेंगे। पवन मुक्त आसन हमारी एसिडिटी, हमारी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में भी हमारी हेल्प करता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा है और डायबिटीज के लोग भी इसे कर सकते हैं, इसके लिए भी ये व्यायाम बहुत अच्छा है। अगर आप पवन मुक्त आसन खाली पेट थोड़ा सा पानी पीकर करें तो इससे भी आपकी एसिडिटी रिलीज हो जाएगी और आपका कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगा। अगर ऐसा कर सकते हैं तो करिए। आइए व्यायाम करते हैं। सबसे पहले मैट पे सीधा लेट जाएं। सांस भरते हुए घुटनों को मोड़ें, अपने दोनों हाथों को क्रॉस करें। सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को ऊपर उठाते हुए अपनी नोज को अपनी नींद से लगाएं और स्ट्रेच करें। पेट को दबाएं, होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल करके अपने पैर को सीधा करें और ये सेम क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। अब हम यही क्रिया दोनों पैरों से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को फोल्ड कर लें, क्रॉस करके सांस छोड़ते हुए अपने पेट को दबाएं, अपनी नोज को अपनी नींद से टच करें, होल्ड करें। ब्रीदिंग को नॉर्मल करके सीधा शवासन में लेट जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।